बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हमने लेक्चरर एजुकेशन का पेपर जो मेल का हुआ था, ये रिसेंटली संडे को 26/9/2021 में ये इवनिंग में हुआ था, इसको हमने डिस्कस करना है कि इसके राइट ऑप्शंस क्या थे। इसके अलावा मैं फ़ीमेल का भी जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, जो मॉर्निंग में हुआ था वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड इन विच पॉलिसी? तो 1970 में यहिया खान की थी, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था तो हमने लगाया था नन ऑफ दीज। पैडागोजी क्या है? टीचिंग मेथड है। उसके बाद आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था तो हमने नन ऑफ दीज लगाना था। अंडू की जो है वो कंट्रोल पर जी होता है। टू क्लोज टैब इन गूगल क्रोम नन ऑफ दीज आना था। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच लॉजिकली सर्टन कंक्लूजन इज स्टेटेड जो है वो डिडक्टिव होता है। उसके बाद है व्हाट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज अप्रोप्रिएट फॉर स्कोर्स मेजर्ड ऑफ नॉमिनल स्केल? तो ये पाई ग्राफ कहलाता है। व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हिच द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है तो हमारी जो टाइप टू यानी एरर आती है। प्रपोजिशन जो है इसमें आपका इट इज टाइम टू फेस्ट फोर आना था। प्लेस आर्टिकल के अंदर दा बस आना था और एंड पे आना था आर्टरी फेल ऑन द रोड। एंटोनिम ऑफ जो है वो कैलिबेट का आना था। साइंस ब्रॉडेस्ट एंड ग्रामोफोन आर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड? तो इसका ऑडियो विजुअल एड आना था, क्योंकि ग्रामोफोन और इंस्ट्रक्शनल एड दोनों एक जो है वो विजुअल एड के लिए और एक जो है ऑडियो के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हम ऑडियो विजुअल एड आना था इसका, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था तो हमने नन ऑफ दीज लगाया। शिमला एग्रीमेंट जो है उसका नन ऑफ दीज आना था। नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो की तरफ था। अच्छा, ये जो शॉर्ट लिखे हुए हैं ना, ये आप जाके गूगल करके इनको पढ़ सकते हैं, जो लोग अब न्यू प्रिपरेशन करेंगे लेक्चर एजुकेशन की, ठीक है, ताकि ये पूरी जो आप देख सकें कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन विच पॉलिसी? तो ये 1970 में थी, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं था तो हमने नन ऑफ दिस लगाया। मोटिवेशन लेवल जो है वो हायरार्की थ्योरी है। तो ये जो जीडीपी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी स्पेंड कर रहा है एजुकेशन के लिए, ठीक है, 2025 के अंदर 4% 17, तो ये 60% आई थिंक सो। उसके बाद नॉलेज जो है वो कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है। गुडनेस एक्सियोलॉजी होती है। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स होती है। उसके बाद है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, चीज़ों को पार्ट्स में करना वो एनालिसिस कहलाता है। सोलो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। पेडागोजी क्या होता है? टीचिंग मेथड होता है। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा एम कहलाता है। और एम क्या होते हैं? ब्रॉडर मीनिंग में होते हैं, यानी ठीक है। टू मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। प्लानिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग, ये मैनेजमेंट कहलाती है। सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। अल्लामा इकबाल बॉर्न इन 1877। इकबाल्स फिलोसफी बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। ये जो दो ऑप्शन थे ना 29 और 30, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, हर बंदे को आने चाहिए। और आई होप सो आप लोगों ने अच्छे ही लगाए होंगे। नल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस। नेशनलाइजेशन जुल्फकार अली भुट्टो की तरह। वट इज डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट आइटम 0.1। सारसे समिट 2021 इन इस्लामाबाद 20, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन। जब भी आप सैम्पलिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। ये ब्लेंडेड लर्निंग वुमेंस के पेपर में भी आया था। एजुकेशन विथ नो पर्पज नो फिक्स टाइम अनप्लैंड कहलाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। जो हम अपनी फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है और नॉन फॉर्मल होती है, और इनफॉर्मल हम सोशल से लेते हैं। सेंटर ऑफ एजुकेशन इन इस्लामिक मदरसा सिस्टम टीचर होता है। लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एज पर एचटीआई रिपोर्ट इन 2019 60 होता है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, हमने नन ऑफ दिस लगाना था। बुलेटिन बोर्ड एंड फैनल बोर्ड आर टाइप ऑफ विजुअल एड्स। ये हम विजुअल एड के लिए बोर्ड्स दो किस्म के बोर्ड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इन विच यूनेस्को सेमिनार इट वॉज सजेस्टेड दैट डेवलप्ड कंट्रीज विल स्पेंड 7% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, आई गेस 1960। और जो पाकिस्तान कर रहा है पीछे, वो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि 4% वो जो है एजुकेशन के लिए स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दूसरे कंट्रीज हैं वो 7% कर रहे हैं, लेकिन ये आई गेस 1960 में था। मैटर एग्जिस्ट करता है तमाम फॉर्म्स के अंदर, ऑल फॉर्म्स, रिलेशनल एंड कैजुअल कंपैरेटिव। यहाँ पे आना है रिसर्च, तो वो जो है वो बोथ वेरिएबल्स
कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, दोनों वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकते। कंट्रोल ग्रुप रिसर्च जो है वो एक्सपेरिमेंटल कहलाती है। मैथ का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर 20% आंसर था, स्कूल इज माइक्रोकॉसम ठीक है ऑफ सोसाइटी, तो आई गेस इसका सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज्म था। कंप्लीट चेंज रिकन्स्ट्रक्शनिज्म कहलाता है क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो रिकन्स्ट्रक्शन में आ जाता है, यानी कि हम उसको टोटली एक नए तरीके से उसको तैयार करते हैं। तो बच्चों को जब हम रिकन्स्ट्रक्शनिज्म की फॉर्म में देखते हैं तो हम उस बच्चे को दोबारा से किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था तो हमने नन ऑफ दीज लगाना था। क्लोज टाइप की इन क्रोम नन ऑफ दीज। एम बी इन कंप्यूटर कहलाता है मेगाबाइट। विच फंक्शन मैयर्स हाईएस्ट वैल्यू इन स्प्रेडशीट, मैक्स कहलाता है। लेटर जो है या रिपोर्ट जो हम हमेशा जो है वर्ड प्रोसेसर के अंदर लिखते हैं यानी एम एस वर्ड के अंदर। समेटिव वैल्यूएशन जो है वो जजमेंट कहलाता है। एंड टर्म सेमेस्टर एग्जाम्स इन विच वैल्यूएशन, नन ऑफ दिस। डिग्री टू विच असेसमेंट लेवल इज जस्टिफाइड। अ टेस्ट दैट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट उसको हम जो है वो रिलायबल कहते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। लार्जेस्ट स्ट्रेट जो है वो मलाका है। पोस्टोरी नॉलेज लीड्स, पोस्टोरी बॉयज़ को आया था और प्रियोरी गर्ल्स को आया था। तो आप देख सकते हैं जो पोस्टोरी नॉलेज होता है वो हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं और जो प्रियोरी नॉलेज होता है उसको हम इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 27 नवंबर टू नाइन जो हुई थी वो 1947 में हुई थी। साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिवेलपिंग मटेरियल। इसके बाद ये कुछ मैथ का क्वेश्चन था, इसको आप देख सकते हैं ठीक है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ना ये वाली है वुमेन्स की, कि वुमेन्स के पेपर में ये ऐड थी ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट देखिए जी, टेस्ट टू मेजर इमोशन वैल्यूज जो है वो एटीट्यूड कहलाता है। टेस्ट फॉर फ्यूचर एप्टीट्यूड कहलाता है। इंटेलिजेंस इज इंडिविजुअल्स पोजेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ इट इज राइट ठीक है। उसके बाद है प्राइस कॉफीज, ये क्या है, ये ह्यूमनिज्म है, यानी जब हम जो बच्चों को प्राइजेस देते हैं उनकी जो है वो उनको मजीद जो है वो उनकी कहते हैं कि जे इसने बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा कि हम उनको जो है वो अप्रिसिएट करते हैं ठीक है। तो ये ह्यूमनिज्म में आ जाता है। इट्स नॉट सून नॉट टू लेट डिस्क्राइब्स द फिलोसफी, कौन सी फिलोसफी है जी ये आपने बतानी है ठीक है। और गिविंग रिवॉर्ड एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट रीएनफोर्समेंट कहलाता है, यानी जब हम रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उनका जब रिजल्ट आता है तो रीएनफोर्समेंट ये होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी से कुछ काम करवाना, या फिर रीएनफोर्समेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो आप पनिशमेंट करते हैं या आप रिवॉर्ड देते हैं। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों रीएनफोर्समेंट के ही अंदर आती हैं। काउंसलिंग जो है वो डायरेक्टिव कहलाता है। इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। अदर नेम ऑफ टेबल स्पेसिफिकेशन ब्लू प्रिंट्स आपने लगाना था। साइक्लिक रिसर्च जो एक्शन रिसर्च लगाना था। टेकिंग बैक रिवॉर्ड्स नेगेटिव रीएनफोर्समेंट होता है। उसके बाद है रोहिंग्या मुस्लिम क्राइसिस जो है था वो राखाइन प्रोविंसेस के अंदर है। विलिंग टू रिटायरमेंट आफ्टर सुपर एनाउंसिएशन, 25 साल बाद होती है आपकी जी ठीक है। आप विलिंग करते हैं कि आपको सुपर एनाउंसिएशन आपकी मिले 25 साल बाद। रीमा बंदे हमीद अल खलीफा एम्बेसडर टू UNO, बिलोंग टू सऊदी अरेबिया और बहरीन से बिलोंग करती थी। अल्टीमेट गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज टू सॉल्व प्रॉब्लम, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था सॉल्व प्रॉब्लम, इसलिए हमने नन ऑफ दीज लगाना था। ओवरऑल एक्टिविटीज प्लान इन स्कूल जो है वो करिकुलम कहलाता है। ये था कि जब एक टीचर जो है किसी एक बच्चे के साथ मिसबिहेव करता है तो वो दूसरे बच्चों पर भी इन्फ्लुएंस करता है, तो ये रिपल इफेक्ट कहलाता है। मसल्स टिश्यूज एंड ब्लड आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू क्लासरूम सब्जेक्ट। अल्टीमेट गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड, ये नन ऑफ दीज हमने लगाया था लेकिन ये टू सॉल्व प्रॉब्लम्स के लिए होता है। एनालॉगी सॉक्स फीट्स ग्लव्स, एनालॉगी जो है वो हमेशा हैंड से होती है। उसके बाद क्वेश्चन था जी स्कूल होते हैं वो प्रेजेंट्स करते हैं मीनिंग कल्चर। उसके बाद था स्क्वेयर रूट जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, स्क्वेयर रूट को हम वेरिएंस के लिए यूज़ करते हैं। टू इंश्योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलायबिलिटी इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रैंडमाइजेशन होती है। उसका बाद था ज़िया का मुतजाद क्या होता है, ज़िया का मुतजाद होता है नुकसान। शोला तूर किसने लिखी थी, जिगर मुरादाबादी ने। क्वांटिटेटिव को हम मेजरमेंट कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स हमारे जो हैं वो मॉडल कहलाता है ठीक है जी। आइटरेटिव रिसर्च का मैंने काफ़ी गूगल किया लेकिन मुझे कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, आप कर सकते हैं। लर्निंग इज इंक्रीमेंटल नॉट इंसाइटफुल, ये बिहेवियरिज्म कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।